हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाँ पहना दो मुझे सर से लेकर पांव तक जंजीरें। ये क्या हो गया तुझे? ठीक ठाक है? पहना दो मुझे सर से लेकर पांव तक जंजीरें। वाह आज आई है अपने खानदानी कपड़ों में। ये खानदानी कपड़े नहीं है, ये वो मैं अपने नेक्स्ट रोल के ऑडिशन की रिहर्सल कर रही हूँ पाजी। ओहो, वो क्या अच्छा। है ना, नवाज सर और अमृता आए हैं तो मुझे लगा मैं उनको दिखा दूँ अपनी रिहर्सल। ये देखो एक तरफ अमृता राव, एक तरफ भजिया पाव। एक तरफ नवाज, दूसरी तरफ दगाबाज। वाह सर, मैंने आपकी फिल्म ठाकरे का ट्रेलर देखा और उसका जो डायलॉग है कि भीख मांगने से अच्छा है अपना हक छीन लो। इसका भी सेम ही है नवाज भाई, हैं? भीख भी मांग लो, हक भी छीन लो और फिर भाग जाओ। जेल से कैसे आना हुआ? एक्सक्यूज मी, मैं जेल से नहीं आई हूँ, ओके? मैं अपने नेक्स्ट रोल की तैयारी कर रही हूँ। मुझे एक बायोपिक ऑफर हुई है। कौन सी बायोपिक? तेरे साथ कोई सेल्फी पिक नहीं लेता तू, बायोपिक? कौन सी बायोपिक ऑफर हुई है? मेरी खुद की दादी की। पाजी क्या स्टोरी है, मैं क्या बताऊँ क्या स्टोरी है। और कैरेक्टर, उसका जो ग्राफ है, उसका जो डेप्थ है। डेप्थ बता, मैं तेरे को बताऊँ इसकी दादी की? इसकी दादी चोर थी, इसकी दादी और क्या। ये डेप्थ जिसको बोल रही है ना, मतलब जितनी मर्जी डेप्थ हो वो कूद जाती थी। इसे दादा भी इसका चोरी किया हुआ था, इसकी दादी ने, पता है? और बेचारे को थोड़ा कम दिखाई देता था, वो कहता सड़क पार करा दो, सड़क पार करा के घर ले गई। उसके बाद दादा के साथ सारी हदें पार कर गई इसकी दादी। सोचो जिसकी दादी ने सारी हदें पार कर दी, उनकी पोती क्या क्या कर सकती। तो देखा आपने, जो बच्चे आपसी सहमति से नहीं होते वो आगे जाकर ऐसी बातें करते हैं। जाए तू एक काम कर, तू ना प्रोटीन अपना बढ़ा और ककड़ी खाया कर, अकल आएगी तेरे दिमाग में ना। देखो जितनी अकल चाहिए उस हिसाब से तो बहुत है। After all, I belong to a very nice family. भाई ये फैमिली की बात करते हैं। आजा अच्छा। भाई आपको पता है वो ट्रेन में जो लोटे नहीं बंधे होते चेन के साथ, वो पहले खुले होते थे, इनकी फैमिली की वजह से उन्होंने बांधने शुरू किए। ये आपको इसका टैलेंट नहीं पता नवाज भाई, ये पान की दुकान के निकल रही ना सामने से, कोई आदमी अगर खड़ा सिगरेट पी रहा है ऐसे करके खींच लेती है, ऐसा वैक्यूम वाला मुंह है इसका। पाजी जो मैं नहीं करती हूँ वो इसको दिखता है, तो जो मैं करती हूँ वो क्यों नहीं देखते हो? आओ कभी मेरा प्ले देखो, पता है कितना हिट प्ले है मेरा। बड़े हिट प्ले होते हैं। आपको पता है पिछले महीने एक प्ले किया आजादी के ऊपर था। अच्छा पहला प्ले जिसमें अंग्रेजों ने इसको देख के खुद कहा भी भारत छोड़ो भारत छोड़ो। नवाज ये ना कुछ भी बोल रहा है। चलो अंदर। मैं क्यों जाऊँ अंदर? मुझे नवाज से कुछ डिस्कशन करनी है, तुम चुप रहो। मुझे ना कुछ करना है, लाइक सीरियसली कुछ करना है, बस एक एक प्लेटफॉर्म मिल जाए मुझे। अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है फिर चंद्र बिछा के शुरू हो जाती है। परदेसी परदेसी तो तेरे कहाँ है वो? इसने रखे हुए पत्थर के ना दो, ऐसे उंगलियों में फंसा के पता नहीं क्या करती है। अच्छा दादर स्टेशन पे जितने पंटर लोग सो रहे होते सब इसके जानकार हैं। व्हाट रबिश का तू? व्हाट रबिश यहाँ पे बोलती है, उधर इसकी आवाज सुनना है। ए चिंटिया सुनता है क्या तू? कोपके में लेके जाके बताऊं तेरे को क्या? डबल जीरो चूना और कमाम का पान लगा के लेके ऐसे बातें करती है ये। पान बहुत खा लिया कप्पू, अब ना किसी दिन चूना लगेगा, वो भी तुमको फ्रॉम भूरी। और जा दरवाजे की चटनी तरह से लगती नहीं है, चूना तो लगाएगी मेरे को। देखो जिस दिन दरवाजा बंद करने की नौबत आ गई ना, छिटकी नहीं लग जाएगी अपने आप। जा बेटे कुंडी जैसा मुंह छिटकने की बातें नहीं करते। कितनी गोलियां चलाई हैं? एक आध कोई बची होगी, हाथ से मारो। नहीं नहीं मुझे तो सीखना, मैं सीख लूंगी। सर आपका एक डायलॉग है जो मेरा सबसे सबसे ज्यादा फेवरेट है। 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ और मौत को छूकर टक से वापस आ सकता हूँ। ये भी रोक लेती है 15 मिनट सांस। 15 मिनट ये रियल में रोकती, सड़क पर ना सांस रोक के लेट जाती, फिर लोग जूस पिलाते हैं। और फिर रात को डिनर का टाइम आता है, सेम मांगता है। चल अब दिखाना अपना टैलेंट तो दिखा, आई उनको मिलने आई तो।
वो तो जब वक्त आएगा मैं टैलेंट दिखाई दूंगी, लेकिन पाजी किसी ने खूब कहा है, क्या खेल ताश का हो या जिंदगी का, वाह अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकले। क्या बात है यार, छा गई कुड़ी यार, क्या बात। सीधा बोल, तेरा पत्ता ही खेलने का मन कर रहा है, निकाल गड्डी निकाल। कप्पू ये बैठती है ऑटो वाले के साथ ऐसे, अच्छा यहाँ पे अच्छा बला आती है, हाय हाउ आर यू, ए निकालना तेरा बादशाह निकाल तेरा इक्का, ये मैं बताऊंगा सारी बातें। कप्पू क्या है, बाजार में सारे खिलौने बिक गए जब हमारे दिल से खेलने लगे हो। आज बड़ी टूटे दिल वाली बातें कर रही है, तो क्या हो गया तेरे को? अब क्या कहूँ, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। क्या? किसी के अंदर ज्यादा डूबोगे तो टूटना पड़ेगा, यकीन नहीं होता तो चाय में डूबे बिस्किट से पूछ लो। एक विशेष सूचना, एक बच्ची किसी शायर की किताब चोरी करके भागी है, जिसकी भी हो ले जाए। कप्पू भैया, कप्पू भैया, अरे कप्पू भैया, तो ये चूहे की मौसी यहाँ पर है। क्या बोली? आपको पता है कप्पू भैया, ये वो मुकेश की शायरी की किताब लेकर भागी है ये। ए, मैं तो मुकेश को जानती भी नहीं हूँ। जानती भी नहीं। सारा दिन मुकेश के साथ चिल्लम फूक फूक के फैजल के कट्टे जैसा मुंह हो गया इसका। बात करती है क्यों फैजल, बताओ ना। कप्पू तुम अपनी बहन को समझाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बुरा क्यों, तेरे को अभी भी डाउट है तेरे पे? तेरे को मालूम है नवाज भाई तेरे से बड़ा कारतूस बंदूक में डाल के फोड़ते हैं ऐसा। बात कर रही है कप्पू, मैं ना भूल जाऊंगी तुम्हारी बहन है। अच्छा वैसे भी तू भूलती है, मेरे पे कहे को नाम डाल रही है यहाँ पे। ध्यान रखना, हट यहाँ से बाजू में, अगर मेरे कप्पू पे नजर डाली ना तूने तो मैं तेरे से 100 रुपया लूंगी। अपना तो भाई के पैसे लगी। अच्छा यहाँ पर आपके स्पॉन्सर पे स्पॉन्सर बढ़े जा रहे हैं दिन ब दिन, करोड़ों कमा रहे हो, 2 रुपया कमाऊं तो तकलीफ है आपको? बहुत अच्छा। क्या क्या देख रही है इधर? चूहे की मौसी। ए कुकुर मुट्ठी, चूहे की मौसी किसको बोलती है बे? ए जल कुकड़ी, ज्यादा बकवास नहीं कर। ए तू जल कुकड़ी। लपड़ झट्टी। ए लड़की रही है वो नवाज भाई को टैलेंट दिखाना जो अपना अंदर दिखा रही थी टैलेंट मेरे को, वो जो किक में हंसी हंसी हंसते थे वो। इसको ज्यादा मैं सिखाई है आपने तो स्टेशन पे जाके मैं पागल हो गई बोलेगी, सबसे पैसा मांगेगी, मैं जानती है इसको। चल चूहे की मौसी यहाँ, चल चल ले जाओ उसको। हाँ और चलवा लो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.